टिम्बर स्मगलिंग में मुलजिम गधों की अदालत में पेशी का अहवाल। पाकिस्तान की अदालतों में इंसान तो पेश होते ही रहते हैं, लेकिन आज एक अदालत में गधों को भी पेश किया गया है। उन गधों पर क्या इल्ज़ाम था? ये सहूलत कार के तौर पर इस्तेमाल हुए या ये माले मुकदमा का हिस्सा थे? इस बारे में सवालात सामने आए हैं। ये अदालत थी असिस्टेंट कमिश्नर द्रोश जिला चित्राल की, और ये गधे बुनियादी तौर पर टिम्बर स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किए गए थे। चित्राल और दीगर शुमाली इलाकों में टिम्बर की स्मगलिंग की इतलात मौसूल होती रहती हैं, और हुकूमत कोशिश करती है कि इस स्मगलिंग को रोका जा सके, लेकिन टिम्बर के जंगलात तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। आज अदालत में क्या हुआ, आइए आपको इसका अहवाल बताते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर द्रोश तौसीफुल्लाह की अदालत में 5 गधे पेश किए गए। उन गधों पर यह इल्जाम था कि ये चित्राल के इलाके द्रोश में टिम्बर की स्मगलिंग में मुलव्वस थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने इन 5 गधों को टिम्बर स्मगलिंग केस में माले मुकदमा के तौर पर तलब किया था, और इत्मीनान के बाद गधे और टिम्बर के स्लीपर महकमा जंगलात के हकाम के हवाले कर दिया। एसी चित्राल ने बताया कि ये गधे आज मजिस्ट्रेट की अदालत में इसलिए पेश किए गए थे ताकि ये इत्मीनान किया जा सके कि गधे बहिफाजत मौजूद हैं, और ये कि इन्हें किसी और के हवाले नहीं किया, और ये कि कहीं वो दोबारा स्मगलिंग में इस्तेमाल नहीं हो रहे। अदालत ने यह इत्मीनान किया कि गधे मुतल्लिका हकाम की तहवील में ही हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि गधों को अदालत में क्यों पेश किया गया। किस्सा कुछ यूं बताया जाता है कि द्रोश के इन इलाकों में टिम्बर की स्मगलिंग की इतलात इंतजामिया को मौसूल हुई थी, जिस पर कार्रवाई अमल में लाई गई थी। स्मगलिंग के लिए वक्त फजर से पहले का होता है, जब टिम्बर आरा मशीन पर लाए जाते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर तौसीफुल्लाह ने उस वक्त कार्रवाई करते हुए 3 गधे पकड़े, जिसके साथ टिम्बर के 4 स्लीपर बांधे गए थे। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ और 2 फरार हुए हैं, जबकि गधों को फॉरेस्ट अफसर की तहवील में दे दिया गया था। उनके मुताबिक उन्होंने ये गधे एक मकामी शख्स को सुपरदारी पर दे दिए थे ताकि वो इनकी रखवाली कर सके। इस वाकये के 2 रोज बाद फिर शिकायत मौसूल हुई कि स्मगलिंग अब भी जारी है, जिस पर एक मरतबा फिर कार्रवाई की गई और 3 मजीद गधे पकड़े गए, जिनके साथ टिम्बर के स्लीपर भी थे। यहाँ इसके बाद ऐसी इतलात पहुंची कि शायद ये 3 गधे वही हैं जो के सुपरदारी पर दिए गए थे, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि इनमें 2 गधे नए हैं और 1 गधा वही है। इस बारे में अदालत ने फारस्ट हकाम को तमाम गधे अदालत में पेश करने का हुक्म दिया कि तमाम गधे जो पकड़े गए थे सारे के सारे अदालत के सामने पेश किए जाएं, ताकि मालूम किया जा सके कि कुल कितने गधे हैं, और क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही गधे फिर से स्मगलिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि आज अदालत में इन गधों को देखा गया, और इनमें 1 गधा वही था, लेकिन ये गधा गलती से पकड़ा गया था। ये गधा दूसरी मर्तबा स्मगलिंग में इस्तेमाल नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि जिस इलाके में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्रवाई की गई थी वहाँ अंधेरा था, और इस एरिया में ये पहले वाला गधा भी बंधा हुआ था, जिसे अहलकार साथ ले आए थे। फास्ट अफसर की जानिब से वजाहत पेश की गई, जिस पर अदालत ने इत्मीनान का इजहार किया गया और गधे महकमा जंगलात के हकाम के हवाले कर दिए। महकमा जंगलात की जानिब से फास्ट अफसर और दीगर अहलकार अदालत में पेश हुए थे। तौसीफुल्लाह ने बताया कि इन गधों को चूंके सरकारी तहवील में रखना मुश्किल होता है, इनकी देखभाल और इनकी खुराक का इंतजाम करना होता है, इसलिए महकमा जंगलात के लोग आमतौर पर ये गधे सुपरदारी पर किसी जिम्मेदार शख्स को दे देते हैं।
इसलिए ये गधे एक आरा मशीन के मालिक को सुपरदारी पर दिए गए थे। ये गधे और टिम्बर के स्लीपर माले मुकदमा होता है और ये उस वक्त तक तहवील में रहेंगे जब तक इस मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता, और जब इस मुकदमे का फैसला होगा तो फिर इसकी मुनासिबत से माले मुकदमे का फैसला भी होगा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर गधे ही क्यों? बुनियादी तौर पर ये मुश्किल रास्ता है, पहाड़ों से जंगलात और नदी नालों से ये टिम्बर स्मगल किया जाता है और ये पहाड़ों से नीचे काट कर जब इस लकड़ी को लाया जाता है तो फिर इसे टुकड़ों में काटा जाता है। इस इलाके में टिम्बर की स्मगलिंग गाड़ियों पर मुश्किल होती है, इसलिए गधों का इस्तेमाल होता है। इसमें एक बात ये भी अहम है कि गधों को जब रास्ते का इल्म हो जाता है तो वो खुद ही रवाना हो जाते हैं, उनके साथ किसी इंसान का होना कोई जरूरी नहीं होता और वो अपनी मंजिल पर खुद पहुंच जाते हैं। इसलिए अक्सर इस तरह की स्मगलिंग या दीगर कार्रवाइयों के लिए भी गधों का इस्तेमाल किया जाता है।